अभी हम लोग ये पौंडीचेरी से हम लोग आ गए थे, ये वाला रूट पकड़ के यहाँ से एकदम कोस्ट के किनारे होते होते यहाँ रामेश्वरम, रामेश्वरम से धनुषकोटी का फिर वापस आए। आज यही रूट से वापस जाना है और NH 32 लेते लेते यहाँ से कन्याकुमारी। सो दैट्स गोना बी, सो दिस वाज आवर होटल होटल रामलीला। द टाइम इज अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, सन इज क्वाइट ऑन द अपर साइड और रेडी होके एक दिन का रेस्ट लेके एनर्जाइज्ड होके निकल रहे हैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी की तरफ। सो द डिस्टेंस वी हैव टू कवर टुडे इज अराउंड 290 किलोमीटर्स, 290 मोस्टली 300 किलोमीटर्स, और 4 बजे तक अराइवल दिखा रहा है। से पूरा रामेश्वरम मंदिर का जगह शुरू हो जाता है और लेफ्ट में आप चले जाइएगा तो वहाँ बीच भी है, समुंदर भी है, समुंदर से बिल्कुल सटा हुआ है मंदिर और बहुत बड़ा कंपाउंड है। कल तो गए थे बट अनफॉर्चुनेटली कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, तो दे डोंट अलाउ यू टू व्लॉग एंड स्टफ, सो वो सब तो नहीं हो पाया। और ये पूरा मंदिर का ही कंपाउंड है, बहुत बहुत सुंदर मंदिर है, स्कल्पचर और पुराने पुराने अंदर में स्ट्रक्चर्स, स्टोन के डिफरेंट वर्क्स, काफ़ी काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये टाउन भी बहुत छोटा सा प्यारा सा है, गिन चुन के 2-4 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे नॉनवेज मिलता है। सो देर इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट जहाँ पे हम 2 दिन खाए, यहाँ का लोकल साउथ इंडियन फूड जिसका नाम है चिकन कोटा परोटा, परोटा इधर बहुत फेमस है, पराठा जिसको बोलते हैं हम लोग, और पराठा हर चीज़ के साथ मिलता है, ग्रिल्ड चिकन पराठा और चिकन चेटीनाडू। चेटीनाडू कन्याकुमारी के पास में एक जगह है जो कि अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है, वहाँ का स्पाइस जो है उसी को चेटीनाडू कबाब, चेटीनाडू स्टाइल चिकन में बनाया जाता है और खाया जाता है। सो यहीं कहीं पे था रेस्टोरेंट, इसी लाइन में कहीं पे रेस्टोरेंट। तो सो रामेश्वरम से एग्ज़िट ले रहे हैं, यही इकलौता ब्रिज है, बस बाहर जा रहे हैं अब यहाँ से। कल धनुषकोटी में एक छोटा सा वीडियो शूट किए थे जो कि फॉरवर्ड किए थे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सबका, सबको ही बहुत अप्रिशिएट किए द थिंग आई एम डूइंग, द थिंग आई एम ट्राइंग टू डू, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी हम्बल फॉर दैट। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ओवरवेलमिंग था सब चीज़, लोगों ने शेयर किया गुड्डा का, हमारा जो न्यूज़ है लोकल गुड्डा, मैं हूँ गुड्डा, वो भी हाँ एक वीडियो बना के उन्होंने भी शेयर किया, तो इट वाज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। हाफ ऑफ द ट्रिप हो चुका है, हाफ बाकी है, वो हाफ ख़त्म करेंगे फटाक फटाक, घूमेंगे अच्छे से और फिर आगे का जो भी जैसा भी प्लान होता है वो तो बातें होती रहेगी। और एज सून एज घर पहुँचे ये वीडियो डालने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, पता नहीं कब डलेगा बट आई एम वेरी एक्साइटेड। मेन रोड छोड़ के कल हम लोग 50 किलोमीटर लेफ्ट लेके अंदर गए थे, तो वो 50 किलोमीटर वापस आ गए हैं और एक राइट वाला रोड हमने पकड़ लिया है अभी, और यहाँ से अब कोस्ट के थ्रू होते होते सीधे कन्याकुमारी। तो बैरन बैरन सा लग रहा है और आज धूप बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज। अच्छा कुछ मेमोरियल है यहाँ पे और पास में 20-30 किलोमीटर दूर कोई बहुत बड़ा दरगाह भी है, एकदम कोस्ट के पास में हम, इसके बाद से थोड़ा डाइवर्ट होंगे, कोई स्पेसिफाइड NH नहीं है, एक दो NH चेंज होता है इसमें कन्याकुमारी जाते जाते,
So it's a fun ride through the towns of the south. By the way, Corona has affected these places. बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. वहाँ भी रामेश्वरम भी मंदिर एकदम खाली था, लग रहा था कि बस चार लोग दर्शन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, और चार पुजारी, बस इतना इतना खाली था. इट वॉज माई प्लेजर टू डू सो, बट कितना इफेक्ट होता होगा. ऊपर से भी लॉकडाउन चल रहा है, 3 दिन का यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन है, मंदिर वगैरह बंद रहते हैं, ये तो है फ्राइडे सैटरडे संडे. साउथ का धोती लुंगी शुरू हो गया है यहाँ पे, सब कोई वाइट क्लोथ, मतलब 80% ऑफ द पीपल रोड पे जो नॉर्मली घूम रहे हैं वो तो पक्का पक्की वाइट क्लोथ, टी शर्ट या शर्ट, जनरली शर्ट और धोती लुंगी मस्त पहन के निकल जाते हैं, एंड इट लुक्स गुड ऑन देम. Still going strong. 100 kilometers done. 200 kilometers more to go. 12 बज रहा है और टाइम दिखा रहा है कि 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे. 4 बजे तक पहुँचना है, होटल लेना है. और लैंडस्केप बहुत बहुत सुंदर है, थोड़ा सा बैरननेस आ गया है, रेत रेत जैसा है बहुत ज़्यादा बहुत जगह, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अलग काइंड ऑफ ब्यूटी है ये. ऐसे 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर में लैंडस्केप चेंज होता है ना, क्या कहना. अभी तो आई एम इमेजिनिंग जो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, अगर रन ऑफ कच्छ गए, रन ऑफ कच्छ एंड देन दिल्ली. इफ आई कुड गेट इन, दिस सीम्स टू बी ओके. बाप रे, जो जबरदस्त गर्मी है आज, पूरा बैरन एरिया है चारों तरफ. थोड़ा रुकेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पीते हैं. यहाँ पे विंड ब्लास्ट इतना तेज है, कोस्ट बहुत पास में है और ऐसे हवा चल रहा है इधर से इधर, क्या सुंदर लगता है. यहाँ से बहुत दूर दूर तक सिर्फ यही दिख रहा है, खेत हैं, लैंड है बहुत सारा और विंड चार्म्स बहुत सारे, बहुत दूर दूर तक, लगभग 30-40 किलोमीटर तक, और एक दो सोलर प्लांट, पावर प्लांट भी है. सो ब्यूटीफुल ना. See how beautiful it looks. एकदम natural सा लगता है, natural wind flow. बहुत सारा है, बहुत सारा. इधर तो मतलब मीलों मील तक लग रहा है wind charm, wind mill सा. So beautiful. अब हो गया extremely important fuel up करना. बस range है 14 किलोमीटर और हाईवे था इधर से, हाईवे छोड़ दिया हम एज़ यूजुअल, ले लिए गांव वाला रूट और यहाँ पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है. आई होप मिल जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. और दूसरा कि एक छोटा सा माउंटेन रेंज, हिल रेंज वहाँ पे दिखना शुरू हुआ है दूर में, वहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट कितना बड़ा बड़ा विंड मिल है यहाँ पे. एकदम सीधा 2 रेंज दिख रहा है अभी तो. पहला तो दिख रहा है एकदम क्लियर कि एक छोटा सा हिल है, और दूसरा जो उसके पीछे, आई एम नॉट श्योर कि वो बादल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, कि वो भी एक रेंज है, बट पता नहीं, सो कन्फ्यूजिंग, कुछ नहीं बोल सकता. शायद रेंज है, शायद बादल ख़त्म हो रहा है. एकदम सीधा अगर चलेंगे तो 20-30-40 किलोमीटर्स में मैक्सिमम केरला आ जाएगा, और
केरला मोस्टली अच्छे खासे रेंजेस हैं उसमें, और एकदम सीधा भी चलेंगे और थोड़ा सा राइट ले लेंगे तो कोडाई कनाल तमिलनाडु का जो माउंटेन है, पहले विजिट भी कर चुके हैं वहाँ पे, वहाँ का कोको चॉकलेट बहुत फेमस है, बहुत तरह की दवाइयों का पौधा वगैरह वहाँ से आता है। तो वो माउंटेन रेंज ही है, वेस्टर्न घाट्स शायद माउंटेन रेंज ही है पूरा, एक के बाद एक के बाद एक बहुत छोटा सा शेडोई रेंज दिख रहा है पूरा यहाँ से उस। अब और हम लोग लेफ्ट लेके इधर से सीधे निकल जा रहे हैं, तो उधर नहीं जा रहे हैं फिलहाल, हम लोग कन्याकुमारी करेंगे, कन्याकुमारी से तो फिर उधर ही जाना है, केरला में कोलम करके एक जगह है वहाँ पे। सो टेंस डोंट सीम सो फार अवे नाउ राइट। एकदम सामने लग रहा है, एकदम सामने है, वाओ। वो रॉन्ग, ये तो 10 किलोमीटर में पहाड़ आ जाएगा, और बहुत सही सही रेंज शुरू हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा वाला। तब से आई वॉज वंडरिंग बादल है कि क्या है, बादल है कि क्या है, इतना सही हिल्स है अपने इधर, पता नहीं था। लास्ट टाइम जो तमिलनाडु में चेन्नई से कोडाईकनाल गए थे वो भी बस से गए थे, इसीलिए उतना आइडिया समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे पहाड़ों को पहुंच गए, वो भी रात रात भर चल रहे थे और सुबह सुबह पहुंच गए तो कुछ आइडिया नहीं मिला। बट अभी अभी सब चीज़ समझ में आ रहा है, दिख रहा है चेंजेस हैपनिंग अराउंड, बहुत अच्छे से दिख रहा है, और कितना पास है, कितना पास है। अल्टीमेट प्रोटेक्शन, नो हेलमेट नो वेस्ट रिक्वायर्ड, टायर पहन लो, गिरोगे कुछ नहीं होगा। नाइस। कन्याकुमारी यहाँ से 55 किलोमीटर्स है, और क्या रेंज है भाई, द व्यू, छोटे छोटे हिल्स, सुंदर सुंदर क्लाउड्स, कहीं धूप कहीं छाव, और छोटे छोटे हिल्स के पीछे मैसिव मैसिव हिल्स भी। वलियूर एकदम कन्याकुमारी से 30 किलोमीटर ऊपर छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे पे चल रहे हैं, राइट में तमिलनाडु के माउंटेंस, और यहाँ से 36 किलोमीटर कन्याकुमारी का बीच जो कि एकदम टिप ऑफ इंडिया है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सो 36 किलोमीटर, आधा घंटा लगेगा यहाँ से, और लेट भी काफ़ी हो चुका है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो इस धूप में गर्मी में बस लग रहा है पहुँचें, खूब सारा पानी पिएं, फ्रेश हो जाएं और खाना खा के सो जाएं। बट आई नो एक बार पहुँचते हैं बीच के पास तो फिर एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे विंडमिल को देख के अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि यहाँ पे हवा कितनी तेज़ है, उधर से जो आ रहे थे इतना तेज़ वहाँ पे भी गोल गोल नहीं घूम रहा था, यहाँ पे तो मत पूछो फुल स्पीड में घूम रहा है, विंड ब्लास्ट बहुत बहुत तेज़ है। बट हाँ हवा बेटर है थोड़ा उधर से, गर्म नहीं है उतना जितना भी था, कितना तेज़ है भाई। यू आई हैड नो आइडिया कि कन्याकुमारी का रास्ता इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर, मतलब नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है, मतलब लाखों विंड मिल्स होंगे, कभी नहीं देखा था कहीं ऐसा, ये बहुत विंडी कॉरिडोर होगा पक्का, इसीलिए इतना ज़्यादा, और कितने सारे विंड मिल्स हैं उधर भाई, कितने सारे, इतना अमेजिंग और इतना फैसिनेटिंग जगह ही है। आई हैव नो आइडिया कि कन्याकुमारी का रास्ता इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा एरिया है उसमें विंडमिल्स भरे हुए हैं,
दिस इज़ कन्याकुमारी, बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, और द एंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया का लैंड ख़त्म होता है। और ये जो सामने दिख, ओह माय गॉड, और ये जो सामने दिख रहा है, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द टिप ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हमारा देश ख़त्म होता है। I guess I should just stop for a while. This is so beautiful. Sunset point. Okay, sunset point यहीं कहीं पास में, और हम लोग उसको miss नहीं करेंगे. Fortunately, अभी sunset हुआ नहीं है. ये एकदम southern most part of India है. यहाँ है हम लोग, अगर मैप में आप लोग को दिख रहा है, यहाँ ख़त्म, और ये है इंडिया. सो या एंड इट्स ब्यूटिफुल, कलर ऑफ वाटर इज डीप ब्लूइश उधर और लाइट ग्रीनिश इस साइड. ऑलरेडी 5 बज चुका है और हम बहुत थक गए हैं, सो आई बेटर टेक अ होटल समवेयर. और फिर so we are at the very end point of the country, Kanyakumari. और एक वो स्टैचू है, यहाँ पे चर्च है, और ये पूरा व्यू है यहाँ पर कन्याकुमारी का. बाकी चर्च वहाँ पे एक और है, एक टेम्पल है वहाँ पे, सब चीज़ यहाँ से दिखता है. और मोर और लेस दिस इज़ द वेरी एंड पॉइंट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे अपना कंट्री ख़त्म. छोटा सा स्नैक्स अपडेट, शोरमा ऑर्डर किए हैं जमजम रेस्टोरेंट कन्याकुमारी में, तो टेस्ट किए अच्छा है, तो खाते हैं फिर सनसेट पॉइंट जाते हैं. और अभी हम लोग जहाँ हैं ये है सनसेट पॉइंट, पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही है. तो ये है सनसेट पॉइंट, क्या सुंदर सनसेट. अभी इतना लाइट नहीं था, थोड़ा सा डार्क हो गया था, फिर अचानक से